झारखंड में स्पेनिश टूरिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म। हर दिन 4 से ज्यादा महिलाओं का क्यों हो रहा दुष्कर्म? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और इसका सबूत भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई सवाल को पूछने पर मजबूर कर दिया। भारत में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अगर उसके साथ दुष्कर्म किया जाए तो यह हमारे देश की विडंबना ही है जो कई सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश टूरिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला ने कुल 7 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने इस वारदात में शामिल होना कबूल किया। जानकारी के मुताबिक मामला 1 मार्च की रात का है। वहीं अब सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने वारदात की जो आपबीती सुनाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्पेनिश पीड़ित महिला ने FIR में बताया कि 7 आरोपी उस पर वारदात के दौरान उसे पीटते रहे। इतना ही नहीं, पीड़ित विदेशी महिला ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपियों ने उसके पति के हाथों को भी बांध दिया था और उसे भी पीटते रहे। दुष्कर्म की शिकार महिला का कहना है कि मुझे उस समय लग रहा था कि आरोपी मेरी और मेरे पति की हत्या कर देंगे। दरअसल 28 वर्षीय स्पेनिश महिला और 64 साल के उसके पति बांग्लादेश से अलग अलग बाइक से भ्रमण पर निकले हुए थे। दोनों झारखंड के रास्ते नेपाल जा रहे थे। इसी दौरान स्पेन की महिला के साथ शुक्रवार की देर रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद स्पेनिश महिला को सरेयाहाट CHC में भर्ती कराया गया। वहीं जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो झारखंड के SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेडिकल जांच में महिला के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। अपराध में शामिल 7 लोगों में से 4 को जेल भेज दिया गया और अन्य 3 को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खेरवार ने कहा पुलिस नई दिल्ली में स्पेन के दूतावास के संपर्क में भी है। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। झारखंड में विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को लेकर BJP ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर BJP प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने CM से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं, अगर कोई विदेशी इस प्रकार से घूम रहे और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आए। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है, सरकार का विशेष दायित्व। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया उन्हों को ऐसी सजा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। तो इस वक्त BJP राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि यहाँ विदेशी भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को भी इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अराजकतावादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। BJP ने झारखंड विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। खैर, मुद्दा कोई भी हो, राजनीति तो होनी तय है, लेकिन वाकई ये घटना शर्मसार करने वाली है और कई सवालों को भी जन्म देती है, क्योंकि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। झारखंड पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 4 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। पिछले 9 साल के दौरान झारखंड में दुष्कर्म के कुल 13,533 मामले सामने आए। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2023 के बीच राज्य में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की कुल 13,533 से ज्यादा घटनाएं दर्ज कराई गईं, जो ये सवाल उठाती हैं कि आखिर झारखंड में ये कब तक होता रहेगा, क्योंकि अब विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ जो घटना बेहद शर्मसार करने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत में विदेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म का ये पहला मामला नहीं है। बीते 5 सालों में भारत में विदेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कई मामले हो चुके हैं। वही 2023 में शादी का झांसा देकर अमेरिकी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया।
मार्च 2022 में रूसी नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया। जून 2022 में गोवा में ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। अक्टूबर 2020 में ब्रिटेन की 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। जुलाई 2019 में ऑटो रिक्शा चालक और उसके साथी ने विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म किया। खैर, भारत में आते दुष्कर्म के मामले कई सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इन मामलों के निपटारे में काफी लेट लतीफी लग जाती है। और इस मामलों में भी सभी आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे इसकी कोई तारीख भी तय नहीं, क्योंकि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कह रही है। फिलहाल इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को गर्म कर दिया है, क्योंकि विदेशी मीडिया भी इसे बखूबी दिखा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं, जो भारत की छवि के लिए सही नहीं होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।